हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज़ में। गाइस, आज का युग तकनीकी का युग माना जाता है, जहाँ विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर असंभव काम को संभव बनाना आसान लगता है। लेकिन आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई है, और इन्हीं चुनौतियों में से एक है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक ना पहुँच पाना, और इसके पीछे कई रहस्य हैं जिनका जिक्र नासा भी कर चुका है। आज हम आपको इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। मंगल ग्रह पर जाने की सबसे पहली चुनौती विकिरण को लेकर है, जिसे इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि मंगल का अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ऐसे में वहां का खतरनाक ब्रह्मांडी विकिरण यानी कि रेडिएशन इंसानों की आंखों में मोतियाबिंद और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। धरती से मंगल ग्रह की दूरी करीब 14 करोड़ मील है। चांद तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मुश्किल से 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी थी, लेकिन मंगल तक पहुंचने के लिए इंसान को कई महीने तक सफर करना होगा। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 1.93% ऑर्गन, 0.14% ऑक्सीजन और 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान भी पाए गए हैं। ऐसे वहाँ पर कोई भी इंसान महज कुछ घंटे तक ही जिंदा रह पाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चाहे कितना भी प्रशिक्षण दिया गया हो, लेकिन थोड़े समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद उनके व्यवहार संबंधी परेशानी आने ही लगती है, और इसके लिए नासा एक ऐसी टीम की तलाश कर रही है जिसमें मजाकिया लोग भी हो, जो अपना काम बखूबी करे, और इसके साथ ही वो पूरी टीम को हंसाते भी रहे, क्योंकि इतने लंबे समय के मिशन में इंसान के अंदर तनाव आ सकता है। मंगल ग्रह पर इंसानों को अलग तरह के गुरुत्वाकर्षण का भी सामना करना पड़ेगा। धरती पर जिस इंसान का वजन 100 पाउंड यानी कि 45 किलो होगा, मंगल ग्रह पर उसी का वजन 38 पाउंड यानी कि 17 किलो हो जाएगा। मंगल का तापमान और दबाव भी इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पृथ्वी के मुकाबले ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर और मंगल ग्रह पर कहीं ज्यादा है। गर्मियों में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सर्दियों में यही तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हालांकि नासा का कहना है कि साल 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल मंगल ग्रह पर कदम रखेगा, और वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA भी साल 2050 तक अपने ऐसे ही अभियान को संभव मानती है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब